इतना लंबा ठीक है, हाँ इतना तो ठीक है। ओह माय गॉड, तेरे बाल खराब कर दूं। विंकी बहन प्लीज बाल मत खराब कर, शाम तक चलाने हैं, छेड़ रही है उनको। दीदी की मेहनत देख लो गाइस, सच्ची में बाल बहुत अच्छे बनाए हैं मेरे तो, और भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ विंकी ने तो प्रिंसेस वाला वो बनवाया ना, मुझे भी देखो मम्मी अपने मेकअप आर्टिस्ट को है। सबसे अच्छे पता है कौन लग रहा है, सबसे अच्छे पापा लग रहे हैं। और पापा का रिव्यू, और पापा ने कुछ किया नहीं, सिर्फ नहा के कपड़े पहने पापा ने। पापा कहते हैं मैं तुम्हारे तरह मुंह पे आटा नहीं लगाता, और पापा सबसे सुंदर लगते हैं। पापा सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, पापा मस्त लग रहे हैं। हम अभी उतरने के बाद आपको अपना फुल सबके सबको ओटीडी। पता है क्या, मेकअप के दौर में ना ठंड की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 9:30 ना वहाँ पे पहुँचना था, हम 9:30 घर से निकले हैं। खैर ये तो रिवाज होता है ना लेट जाने का, भाषण कौन सुनेगा बैठ के, भाषण कौन सुनेगा। ऐसी बात नहीं, हम हो गए बाय चांस लेट, हम तो जल्दी 5 बजे से उठे हुए हैं। मेरी तो फेयरवेल में भी लेट थी, मैं फेयरवेल में तो कुछ ज्यादा ही लेट थी। अभी तो पापा आए तो जल्दी जल्दी पहुँचा देंगे। कुछ भी क्या है आज, तो कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ आज, हमको ऐसे जाने दिया। आज करनी चाहिए कुछ नहीं, ये हॉस्टल वालों की पार्किंग, पापा यहाँ पे जगह नहीं होगी, वहाँ चलो फिर। हाँ सीधा चलो सीधा। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं कॉलेज, पहुँच चुके हैं कॉलेज, और यहाँ पर हो रही है बहुत ज्यादा ठंड। मेरी आवाज से तो पता चल ही गया होगा, मुझे भी आता नहीं, मुझे नहीं लग रही बहुत अच्छा लग रही है। फैशन के दौर में ठंड की कोई गारंटी नहीं है। ठंड तो है पर इसके ऊपर स्वेटर तो नहीं पहना जा सकता। हमने ले लिया अपनी ड्रेस, ये अभी लेट आई है हिमांशी। हाँ मैं लेट हो जाती हूँ हर बार, ये लेट हो जाती है, और मैंने अपनी ले ली है। तो भी दिला दिएगा उनको, उसने पीजी किया ना, उसको रेड मिला है, दिखाई रेड, और मैं यूजी की हूँ ना तो मुझे येलो मिला है। छोटे लोग हाय नेहा, हाय मया, हाय निखिल, उधर कौन बैठा है, कोई है हमारी क्लास का? हाय मुकेश, हाय अनुभव, यार इसको ये मिला है तो पीजी है, मेरे दोस्त नहीं मिल रहे, इसके दोस्त नहीं मिल रहे, इसको टेंशन हो रही, इसकी वीडियो कौन बनाएगा? ओहो एक रैप्ट पड़ेगा। मत बैठ जा, चले जा, इस बेचारे के दोस्त नहीं आए ना। Young graduates, the nation has high hopes of you. And you are the Mayank, Mayank. Of convocation 2024. तूने WhatsApp पे मारा क्या था? तूने निखिल को क्यों मारा था WhatsApp में? RIP निखिल। गाइस नेहा को देख लो, आलिया लग रही है। हाय आलिया, वेयर इज योर रणबीर? गाइस हमें लग रहा है ये अंकल बहुत पकाने वाले हैं। हम बहुत देर तक बैठे रहेंगे। That the education you have received here at this university is not about just knowledge and skills and capabilities of the kind with which you are so well adorned with, but it is also developing in you the teaching of the Kaithya Upanishad. Ladies and gentlemen, we can now hear the Rajputana Rifles pipe band playing. Rajputana Rifles is one of the oldest regiments of the Indian Army, and they have over a period carved a niche of excellence and glory in the annals of Indian military history. Their motto is Veer Bhokya Vasundhara. Faculty and students of this university and Professor P.B. Sharma, I feel so proud of you, your leadership, your dynamism. After many years at IIT Delhi, Professor P.B. Sharma was the founding Vice Chancellor of Delhi Technological University. He was the founding Vice Chancellor of Rajiv Gandhi Technological University. Guys, ये देखो क्या लिखा है, Mr. Anubhav Maini Esco, और Anubhav Maini is here. मतलब मैं क्लास में खड़ा है। Oh wow, bronze medal awards. Anubhav, कैसा फील हो रहा है तेरे को? मेरे को खुशी भी है। सुन अनुभव थोड़ी देर के लिए मेरे को भी दे दियो। ठीक है, दो दो है अपने पास, एक गोल्ड है एक ब्राउन है, बस सिल्वर कौन है अपनी क्लास में, है नहीं तो फिर हमें देना था। खुशी देख रहे हो तो गाइस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ब्राउन मेडल मिलने के बाद।
अब मेरी क्लास में मुझे ही नहीं पता जो भी है ब्राउन ही बोल लो सुन तो सही और तो फिर हमारे साथ क्यों बैठे तो उधर बैठना जिनको अवार्ड मिलना है वो बच्चे अलग बैठे हैं सिल्वर में पता नहीं कौन है सिल्वर नहीं दिया मेरे को गोल्ड वाला तो एक है अपने पास चलो कोई बात नहीं चलो तो उधर जाके बैठी हो अब जहाँ पे मिल रहा है चलो अभी जाता हूँ गाइस गोल्ड मेडल में मेरा नाम भी मुझे पता ही नहीं था अभी अभी दिखाया मुझे कोई प्रियंका ने ये देखो और हम दूसरों का ढूंढ रहा है अपना कोई देख रहा है मुझे लगा कि मैं इतनी नल्ली बेरोजगार हूँ मुझे गोल्ड नहीं मिलेगा मुझे गोल्ड जब 3 बोलूंगा तब उड़ाना ऐसे नहीं हो कर दे 1 2 3 हम पे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं हम किसी का कुछ सुन नहीं रहे हैं और ये मेरे दोस्त फोटो खिंचा रहे हैं ये वीडियो बन रही है ये वीडियो नहीं बन रही है सब्सक्राइब टू हिमांशी अरे ब्रो सब्सक्राइब हो गया अगर नहीं करो कोई नहीं बस वीडियो देख लेना कोई नहीं चला अरे ये नहीं पोस्ट कर रहा इनका पोस्ट कर रहा सब्सक्राइब कर दो यार हमारी दोस्त को यार ये इसके पास कोई और अच्छा किसी को पता नहीं ना ये कि बिहाइंड द कैमरा कौन रहता है अरे नहीं फोटोज खींचने में भी प्रिया भी कह रही थी कि अनुभव से फोटो खिंचा अनुभव अच्छी फोटो खींचता है ना प्रियंका बोल हाँ बोल हाँ अरे सुना नहीं तू बोला चलो चलो सबकी मम्मियां सबकी मम्मियां पीछे बैठी हैं चलो आ जाओ अब हम जा रहे हैं बैठने के लिए मिस बर्गेंजा चलो तू बेटे तू ले रहा है मजे सारे देख रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ दूर से ही सब कैप्चर हो रहा है तू क्या हुआ ओए मैडम अनुभव अनुभव पीछे से तो वैम्पायर लग रहा है अब हम जा रहे हैं वहाँ पे बैठने क्योंकि अनुभव को अवार्ड मिलेगा तो उसको उधर जाके बैठना है जहाँ पे मेरे टोरी स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं अपने सारे दोस्तों के पीछे छोड़ा ही सिर्फ जा रही हूँ अनुभव की वीडियो बनानी है इसलिए जिसको हिंदी में दीक्षांत समारोह कहते हैं आपको तो पता ही होगा एंड बहुत खुशी की बात है कि आज डिग्री मिल रही है 4 साल का कोर्स और फाइनली डिग्री हमारे हाथ में रहेगी लेकिन एक इश्यू आ रही है गाइस कि हमारा पास आरएन नहीं आया है तो हम डिग्री का ट्राई करेंगे दैट इज अ पीस ऑफ पेपर ओनली ठीक है आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्या चांसेस सबसे मिले 10 लाख रुपए लगे ज्यादा ना 10 से भी ज्यादा लगे मेरा तो ज्यादा था ना हॉस्टल का था तो हां तो मैं भी तो हॉस्टल में थी तो कुछ दिन के लिए थी तो थी तो सही ओके एक सेमेस्टर की फीस भी बहुत है तो गाइस वी आर ट्राइंग टू मीट चांसलर सर प्रोबीसी नहीं चांसलर ओके ओके चांसलर सर कि हमारा आज कुछ हो जाए बात हां और फिर जैसा होगा सर आई थिंक रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा फिर है ना फिर मिलते हैं आपको अभी हम जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे ओके गाइस प्लीज मीट इशिका हाय गाइस अभी कह रही व्लॉग बना वहाँ पर आप सबको दिखाएगी कि वहाँ पे हमारे कॉलेज वालों ने क्या इंतजाम कर रखा है अरे इंतजाम तो यहाँ किया हुआ है अभी ये नहीं पता क्या है खाना मिलेगा यार कहीं ठंडा खाना ना दे दे मुझे अब ज्यादा उम्मीद नहीं रही है ना आंटी आपको उम्मीद है आपको उम्मीद है कुछ एमिटी से अब ए क्या चुगलियाँ कर रहे हो तुम 25,000 का नुकसान अच्छा मेरा पापा नहीं आ जाते तो देखो खा रही वहाँ से लेके यहाँ तक और खाने में है ये सब पनीर है चावल है छोले है मिक्स वेज पूड़ी और
अभी की वो गुलाब जामुन मिला, मैं लेके नहीं आई। खाने कैसा है? मम्मी पापा और अनुभव, वो देखो कहाँ खड़े हैं लाइन में। खा लिया नहीं खाना है? खा लिया, खाना खा लिया। आज ज्वाइन का बर्थडे था, खाने का बनाया था तुमने? हाँ खाने का, मम्मी को तो चिंता है मैंने व्लॉग बनाया था या नहीं बनाया था, बनाया था मम्मी, अरे वो खाना नहीं मिला और ये गुस्सा हो गई, कह रही सबको व्लॉग में लिया, मुझे व्लॉग में नहीं लिया। अरे परी देख, मैं तेरे को स्पेशल एंट्री दूंगी ना, मैं तेरे को सबके साथ ही लूंगी, तू समझ, यू हैव स्पेशल प्लेस नहीं इन माय व्लॉग ले। यू लुक सो प्रिटी, ऐसे बुरा नहीं मानते फरीन, को व्लॉग मिल गया मुझे नहीं लिया। अब बोल, सबको व्लॉग मिले से मुझे नहीं, मुझे अब लिया। देखा कितना कहना मान के मैं तेरा आ गया। और बता तुम लोगों को वहां पे जाने के लिए, यहां थोड़ा अच्छा लग रहा है, दूर से खिंचा दे तो ये ना उसमें डाल दिया एंड में कि क्या हो रहा है। तेरा ही? हां मेरा ही है। चली जाएगी तुम तो इतनी बात करते हो, सनसेट से पहले फोटो खींच। कितना संघर्ष, तो बेटा आपको कैसा लग रहा है? गाइस हियर इज माय गोल्ड मेडल एंड आई फील सो प्राउड ऑन मी। थोड़े से ग्लिम्स दिखा दूं? जनता समझ गई मैंने क्यों कैमरा घुमाया। तू थंबनेल के लिए फोटो खींचे ऐसे हो गया। चल हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो क्यों, जो तेरा है वो मेरा नहीं है? हाँ और जो तेरा है वो मेरा, और जो मेरा है वो मेरा ही है। जो मेरा है वो मेरा ही है। Who said that? यार मैंने एक विनीत कह रहा है कि मैं भी हूँ। अरे विनीत को भूल गया, सॉरी विनीत, हम भूल गए थे कि तू भी है। निखिल तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बुजुर्ग इंसान नहीं होता, ठंड में ऐसे बैठ जाता है। ये ठंड में बॉमर पहन के आया, हम तो साड़ियाँ पहन के आए। सीरियसली डिग्री को कैसे वहाँ पर पकड़ता है? यार हमारी डिग्री को कैसे पकड़ के, डिग्री हमारे लेकर पे कर रहे थे, सीओ को सहारा था, हमारी डिग्रियाँ खींच रहे, कैप्चर करना मैं भूल गई यार। ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ है, पता नहीं मैं कौन सी सीट पर चिटकुले खाना, चुटकुले टिचकुले, वो पिलपिले हो गया आज, ठीक है। और निखिल तो नहीं है पर हिमांशु जरूर है। अब पहले निखिल ढूंढने थे, मैं तो तेरा नाम ही ना आज। अरे है क्यों नहीं रहे हो? दिखा, लिख दिया, पता नहीं रोल नंबर वाइज डिग्री मिलेगी। ऑडिटोरियम में देखो इतनी भीड़ हो गया, पता नहीं कैसे हमें बुलाएंगे, कैसे तो हम आगे जाएंगे। मेरे पर इनके पैरों में चोट लगी, देख सी मेरे भी यहाँ पे हील की वजह से, मेरे इधर होगा छोटी उंगली पे, छोटे छोटे पैरों में दर्द। वही फरीन मेरे तो मोटा हो गया। ओ भाई फर्स्ट डिग्री प्रेशर इंजरी हो गई, दिखा ये देख। मैपिलेक्स अप्लाई करो जल्दी से, मैपिलेक्स अप्लाई करो, प्रेशर इंजरी हो गई फर्स्ट डिग्री, शू बाइट हो गया यार, चढ़ा दे मुझे नर्सिंग केयर दे, चढ़ा दे पागल, मेरा हाइपोवोलेमिया हो गया मुझे, ए हाइपोवोलेमिया हो गया हाइपोवोलेमिया, इसको सिर्फ एक छोटी सी इंजरी हुई, मुझे वर्टिगो भी हो रहा है, वर्टिगो भी हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, शी इज हैविंग वर्टिगो राइट नाउ, पता नहीं क्या क्या या मेरे बाल ठीक हो रहे हैं ना, इनको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं, ये तुझे टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं क्या? हो सकता है। मैं मुझे कह रही है तू भी उतार दे, मैंने टोपी अपनी बड़ी मुश्किल से फिक्स करी है, ये उतरे जा रही है, मेरी बालों की वजह से अभी भी हिल रही है और ये भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बट ऐसे काफी अच्छा लग रहा है। हां काफी अच्छा तो लग रहा है, हम दोनों कितने प्रिटी लग रहे हैं ना, एज ऑलवेज। हाय स्टीव, हाय खली, हाउ आर यू गाइस? एक पिन प्लीज, गाइस एक प्लीज, टू बी अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस इन नर्सिंग एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च। मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर अनुभव मैम टू कम ऑन स्टेज एंड एड्रेस दिस डू द ऑनर्स ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे दिखी अभी तक, वी आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कहां है डॉक्टर विश्वास एंड डॉक्टर हरि? प्लीज ज्वाइन विद मी ऑन स्टेज। प्लीज श्वेता,
Miss Himanshi. मम्मी रो क्यों रही है? मुझे सही करना चाहिए थे। अरे नहीं हो रहा। मम्मी क्यों रो रही है? मम्मी खुशी हो रही है। हंसो, शाबाश। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। चलो पापा को दिखाओ। पापा ने कंग्रेचुलेशंस आखिर कर ही दिया है मयंक। खुश। थैंक यू सो मच। आरएन के लिए लड़ाई हो रही है। आरएन चाहिए आरएन। मैडम को घेर लिया। आरएन दो मेरे। आरएन दो। फाइनली हनी को डिग्री मिल गई है और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम डी ब्लॉक जा रहे हैं लड़ाई करने आरंभ हो गए। मम्मी तुम अनुभव की तरह वो मत करो। दिखाइए 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 दिखाइए। हनी स्टनी दिखाइए किसी को। अभी तो और भी बहुत कुछ रह रहा है यार। ऐसे नहीं अनुभव, अभी तो और भी बहुत कुछ रह रहा है। अभी और भी बहुत कुछ रहेगा। आखिरी पड़ाव हनी जीतेगी। ये देख इस पे अनुभव मैंने लिखा है वरना मैं छीन लेती हूं इससे। अब सीधा लैंड क्रूजर लाऊंगा। हां से किसके चलाने वाली ना? वैसे गुर गुर करके चलाते हैं। नहीं नहीं रहने दे, एक छोटी लैंड क्रूजर है। ये देखो ये अपनी ग्रेजुएशन डे मना रही है। दिखाइयो मेडल, दिखा दो जरा मेडल दिखाइयो। मैं तो ये वाला होता नहीं है। ये इसने ड्यू से किया ना ग्रेजुएशन, तो ड्यू में तो ये सब होता नहीं है। तो सोचा यही फील ले लेते हैं ऐसे करके, मतलब ये देखो डिग्री भी ले ले। कोई नहीं, तेरा भी गोल्ड सा ही लग रहा है। सो गाइस फाइनली मुझे डिग्री मिल चुकी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये भी खुश है, ये लड़का भी बहुत खुश है। मम्मी तो रोई पड़ी थी, चिंकी भी बहुत खुश है। बस अब मुझे गाउन सबमिट करके आना है, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। देखते हैं अपने घर जाते हैं कि नानी के घर जाते हैं। अनुभव ने प्रस्तुत कहा ना कि इसमें आधी भागीदारी मेरी भी है। झूठ बोलने में क्या जाता है? हाँ। मम्मी हमेशा अनुभव को साथ देती है। चलो क्योंकि मैं सच्चा का साथ देती हूं। क्योंकि मैं सच्चा होता हूं। हाँ, मैं तो झूठी हूँ ना। हाँ। झूठी मक्कार हूँ। यस। तो अभी बस हम विंकी की फोटो खींचे, अपनी रील बना ले, अपनी रील बना ले। कोई बात नहीं, मैं कैमरा साफ कर देती हूँ। निखिल मुझे ऐसे साफ करता है। तो गाइस कमेंट करके बताना हमारा भाई कैसा लग रहा है। बाकी पैसे वैसे की जरूरत है तो कॉल में। नहीं मैं खुद हीरोइन बना खत्म हो चुका है। अब वो पैर मोड़ के मस्त बैठी हुई है। यार पैर छू दे। मम्मी को लग चुकी है ठंड। जहाँ से मम्मी को ठंड लग रही थी, मम्मी ठंडी लग रही है। और पापा के प्यार की उम्र लंबी हो रही है।